हाइपरवेश में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 10 सेकंड के बाद अपने आप स्क्रीन ऑफ हो जाता है, जो हमारा टाइम है वो बंद हो जाता है, बिल्कुल स्क्रीन ऑफ हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कंटिन्यू ऑन रखना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको सेटिंग करना है और कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन को इनेबल करना है आपको। तो ये वीडियो इसी के ऊपर में है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है तो मैं सोचा कि उन्हें इसके ऊपर में आपको बताया जाए। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो कि मैं हाइपर ओएस यूज कर रहा हूं और इसमें जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आएगा और उसके बाद 10 सेकंड के बाद ये अपने आप ही यहां से ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप इसको कंटिन्यू ऑन रख सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि अभी ये ऑन है। इसके लिए आपको कुछ सेटिंग को करना होगा और यहां पर किसी भी तरीके का रूट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बताया कि रूट करने का यहां पर ऑप्शन बता दो, किस तरीके से इसको हमेशा यहां पर इनेबल करके रखना है। रूट करने की जरूरत नहीं, ये काम बहुत ही आसानी से अपने सेटिंग से कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए आप अपने फोन के सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद ऊपर के साइड में आपको अबाउट फोन देखने को मिल जाएगा। अबाउट फोन के नीचे यहां पर जैसे ही ओपन करोगे उसके बाद यहां पर आपको ओएस वर्जन देखने को मिलेगा। तो इसको ऊपर में यहां पर लगातार 4 से 5 बार क्लिक करना है। यहां पर यू आर नाउ ए डेवलपर, यहां पर एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और ये देखने को मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग में, जो कि सबसे नीचे आपको मिल जाएगा सेटिंग में। यहां पर आप देख सकते हो नीचे के साइड में जाओगे तो आपको यहां पर डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन इनेबल नहीं रहता है, आपको इसे इनेबल करना होगा यहां पर अबाउट फोन में जाने के बाद। डेवलपर ऑप्शन में सबसे नीचे का साइड में आपको चले जाना है, नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ऊपर के साइड में तो आपको यहां पर मिल जाएगा रीसेट टू डिफॉल्ट वैल्यूज। तो यहां पर इसके ऊपर में 2 3 4 5 बार क्लिक करना है जब तक कि ये ऑप्शन आपको इनेबल हुआ नजर ना आ जाए। टर्न ऑन सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, ये इनेबल हो जाएगा और यहां पर देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिक ऑन रहता है, बस आपको इसको बंद कर देना है। बंद करोगे तो कुछ यहां पर वार्निंग आपको आएगा और यहां पर कुछ सेकेंड आपको वेट करना है और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहां पर टर्न ऑन सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन ये ऑफ हो जाएगा और ऑफ होने के बाद यहां पर अब आप देखोगे कि आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहां पर शो कर रहा था, जैसे कि ये शो कर रहा है, तो ये हमेशा कंटिन्यू यहां पर ऑन रहेगा। चाहे जब तक आपका बैटरी यहां पर रहेगा तब तक ये आपका डिस्प्ले ऑन ही रहेगा। आप इस ट्रिक को यूज करके या इस सेटिंग को इनेबल करके आप इस फीचर को यूज कर सकते हो और अपने डिस्प्ले के ऊपर में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को हमेशा ही ऑन रख सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मतलब ही होता है कि हमेशा डिस्प्ले ऑन रहे, लेकिन यहां पर MIUI में 10 सेकंड का लिमिट है, जो कि इस लिमिट को आप यहां से बंद भी कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैं कितने देर से अभी तक बात कर रहा हूं, 10 सेकंड से ज्यादा हो गया है और हमारा जो डिस्प्ले है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। मतलब कि जब तक हमारा बैटरी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये ऑन ही रहने वाला है। तो इस तरीके से आप करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज कर सकते हो, कंटिन्यू ये ऑन रहेगा और उम्मीद करता हूं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो गया होगा। लेकिन इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद और इसको ऑफ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये इसको अगर आप इनेबल कर देते हो तो सबसे पहले यहां पर फर्क आपका बैटरी के ऊपर पड़ेगा कि आपका बैटरी यहां पर बहुत ज्यादा फास्ट ड्रेन होने वाला है, मतलब कि बैटरी बैकअप बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर आप हमेशा चार्जिंग पर रहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ यूज करना चाहते हो कुछ देर के लिए या कुछ दिन के लिए, तो उसका यूज करने के बाद इसको आसानी से आप बंद भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में और सबसे नीचे के साइड में आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग, इसके ऊपर में क्लिक करना है और फिर से चले जाना है वही डेवलपर ऑप्शन में। इस डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आप चाहे तो कुछ इस तरीके से जैसे आपने इनेबल किया है इसको, उस तरीके से इसको डिसेबल भी कर सकते हो। देख सकते हो यही वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर में क्लिक करना है, फिर से ये आ जाएगा टर्न ऑन सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, इसको आप ऑन कर दोगे। यहां पर ऑन करोगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन देखने को मिलेगा, टर्न ऑन कर देना है। उसके बाद सबसे ऊपर के साइड में चले जाना है, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, इसको आप बंद कर देंगे। जैसे ही बंद कर देंगे तो यहां से एडिशनल सेटिंग से डेवलपर ऑप्शन हट जाएगा और उसके बाद से आपका जो फोन है वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि जो आपका यहां पर 10 सेकंड का लिमिट था वो लिमिट फिर से यहां पर इनेबल हो जाएगा और उसके बाद आपके फोन में 10 सेकंड वाला लिमिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको इनेबल और डिसेबल करना है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।